सरकार के द्वारा मैं समझी समय देश की जो हालत है वो गंभीर है और इसको सब गंभीर गंभीर चिल्ला रहे हैं, या संविधान खतरे में है, या संविधान के अंदर जो धारा है वो खतरे में है, तो इसका समाधान क्या है? मैं आज इस चीज़ को डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ ऑफिशियली कि हमारा समाज और हम लोग ये मानते हैं कि भारत सिविल वार से गुजर रहा है और ये जाति की सिस्टम्स ने भारत में सिविल वार पैदा कर दिया है और इसका सोल्यूशन भारत के संविधान को लागू करने से ही हासिल हो सकता है। तो यदि सिविल वार को हमें ख़त्म करना है तो भारत के संविधान को लागू करके जाति व्यवस्था को ख़त्म करना पड़ेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना पड़ेगा इस देश में, और मनुवाद को पूरी तरह से ख़त्म करके उसको समंदर में भी नहीं, उसको कहीं पर भी फेंकना नहीं, उसको जला देना है। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग ये करेंगे तो ही इस देश में समाधान है, अगर अदरवाइज इस देश में कोई समाधान नहीं है। इसलिए पूरे भारत के ओबीसी एससी एसटी लोगों को मैं यहाँ से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप साथ में आ जाइए, सब लोग इकट्ठा हो जाइए। ये समय आ गया है कि हम इस अपने देश के लिए खड़े हो जाएं, अपने संविधान के लिए खड़े हो जाएं, मानवता के लिए खड़े हो जाएं, हम लोग लोकतंत्र के लिए खड़े हो जाएं, हम लोग जो है मनुवाद के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दें और इस देश में हम लोग शांति के लिए, हम इस देश में समता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, बंधुभाव के लिए बड़ा है। एक भी एससी एसटी ओबीसी नहीं बनाया, हज़ार से ज़्यादा एडवोकेट जनरल हम लोगों ने बनाया, एक भी एससी एसटी ओबीसी का एडवोकेट जनरल इस देश में नहीं बनाया गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे देश में जो है, मैं सिर्फ आज तक एक सीनियर एडवोकेट जो शेड्यूल कास्ट का है उसको मिला हूँ और वो भी मर गया, बोझा धरकम साहब थे वो हैदराबाद में, वो भी मर गए। ठीक है, तो अभी इस देश में एससी का भी, एससी का तो एक भी सीनियर एडवोकेट नहीं है इस देश में, तो ओबीसी का भी तो सीनियर एडवोकेट को मैं अब तक नहीं मिला हूँ। शेड्यूल ट्राइब का तो एक जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं बना है, उसका तो आज कोई जज नहीं है इस देश में। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह का कंप्लीट एक्सक्लूजन जो है, यो एससी एसटी ओबीसी का जाति के आधार पर एक्सक्लूजन है और वो आर्टिकल 16 क्लास 1, 16 क्लास 2, आर्टिकल 15 जो है उसका बहुत वायलेशन कर रहा है। और आपको मैं देखूंगा कि अब मैं बता रहा हूँ कि हमारे साथ क्या नुकसान होता है कि आप अपनी एससी एसटी की केसेस लेके जाते हैं कोर्ट में, उसको इंडेफिनाइट पेंडिंग रख दिया जाता है जी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एससी एसटी के वकीलों को जो है उनकी केसेस आर्बिट्रेरली डिसमिस कर दी जाती है, उनको सुना ही नहीं जाता है। ठीक है, सेम केस यदि ब्राह्मण वकील फाइल करता है तो उसकी केस को जो है स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये बड़ी समस्या है। मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस देश में एक संविधान को बड़ा खतरा करके उभरा हुआ है, इस देश में पार्लियामेंट का फंक्शनिंग न होना एक बहुत बड़ा खतरा है। गरीब आदमी को एक यही एक दायरा था, एक दिनचर्या थी कि हमें कहीं न्याय नहीं मिलेगा लेकिन एक कोर्ट में तो हमें न्याय मिलेगा, और आज कोर्ट भी मतलब एक ऐसे घेरे में आके फंस गया है, अब उससे भी लोगों का विश्वास हट चुका है। विश्वास तो बहुत पहले ही हट गया था, अभी ये जो आप देख रहे हैं उसकी रिएक्शन है पीपल में जी, कि विश्वास जो है लोगों का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर था ही नहीं। पिछले 10 सालों से मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ जो है गालियां सुन रहा हूँ लोगों की तरफ से, बट वो जो है रास्ते पर नहीं आ रहा था, वो सोच रहे थे कि आज बदलेगा, कल बदलेगा, परसों बदलेगा, बट कब तक इंतज़ार करेंगे लोग? अब इंतज़ार करने की घड़ी खत्म हो चुकी है, सुधारो नहीं तो वरना हम लोग इंस्टीट्यूशन को ख़त्म कर देंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने बोला था कि इस देश के एससी एसटी ओबीसी लोग पागल हो गए और उनको यह पता चल गया कि यदि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इस देश में, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो पागल हो जाएंगे और पूरी इंस्टीट्यूशन को ख़त्म कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे डेमोक्रेसी को। ठीक है, तो हम लोग इशारा दे रहे हैं, पूरे भारत के मनुवादी लोगों को इशारा दे रहे हैं कि यदि आप इसको सुधारते नहीं है और यदि आप संविधान को लागू नहीं करते हैं तो हम तो संविधान को तो छोड़ो, हम इस देश की डेमोक्रेसी और तुम्हारे इंस्टीट्यूशन को तो हम बचा लेंगे, बट आप लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं।